नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, किसानों के लिए राहत। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों का बढ़ाया समर्थन मूल्य। भाजपा किसान मोर्चा ने किया फैसले का स्वागत। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कंवरजीत सिंह चहल ने बताया कि किसानों के हित का बड़ा फैसला है। हरियाणा के किसानों को होगा 1500 करोड़ का फायदा। केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा, कहा किसानों को लुभावने दिए जाते थे वायदे, किसानों को मुआवजे के नाम पर दिए जाते थे 100-100 रुपए के चेक। आप देख रहे हैं पलपल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद आइए जानते हैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कंवरजीत सिंह ने क्या कहा। किसानों को लगभग 1500 करोड़ का किसानों को इससे फायदा होगा केवल हरियाणा में, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। पहले हमें छोटे छोटे 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए के चेक मिलते थे मुआवजे के लिए। हम भी कई बार डूबे, 1996 की बात है, हमारे फ्लड आ गया अक्टूबर में, और उस टाइम हमारी कोटन की फसल है जो 10 मन प्रति एकड़ की खिली खड़ी थी, और उस टाइम हमें 400 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिला था। बड़े दुख की बात है। तो ये बहुत बढ़िया फैसला है मोदी जी किसानों के बारे में। बीजेपी सोच सकती है, इसे विपक्षी दलों ने केवल किसान को वोट बैंक समझा है और वोटें लेने के लिए। इससे जो आज फैसला आया है 14 फसलों के भाव बढ़े हैं, जिसमें से धान का लगभग 200-250 रुपये प्रति क्विंटल का भाव बढ़ा है, बाकी फसलों का भी बढ़ा है सभी का। इससे किसान को बहुत फायदा होगा। किसान की जो बीजेपी का जो मेन एजेंडा है कि 2022 तक मोदी जी ने सपना देखा है कि किसान की जो आमदन है वो दुगुनी की जाएगी, तो उसमें ये इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि किसान मेन जो है किसान की आमदन बढ़ाने से हल होगा, क्योंकि किसान की बहुत सारी डिमांडें हैं। पिछले किसी ने आज तक किसान के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि बाकी जो जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने इसी बात किसान को वोट बैंक समझा। केवल वो कहते थे किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे जी, आज तक किसी ने कर्जा माफ़ नहीं किया। किसान पे कर्जा 6 महीने बाद डेली चढ़ता है, क्योंकि जब फसल बोता है आगे उसको काटता है, उसके भाव नहीं मिलते, भाव ना मिलने से उस पर कर्जा चढ़ता है। अगर किसान को फसल का अच्छा भाव मिले तो उसकी नेचुरल उसकी जो आमदन है वो बढ़ेगी, उसकी आमदन बढ़ेगी तो उस पर कर्जा चढ़ेगा ही नहीं। अगर किसान पे कर्जा नहीं चढ़ेगा तो वो माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं है। भाजपा का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हरियाणा सरकार का अब अंतर भरपाई योजना जो ये पूरे देश में अपने मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हैं, जो पहला राज्य है हरियाणा जिसने इसको लागू किया देश में, पूरे देश में इन्होंने पहल की। तो किसानों के लिए अगर किसी ने सोचा है तो बीजेपी ने सोचा है। यहाँ पे खाद के लिए बीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी किसानों को, एक पैकेट बीज के लिए किसी मंत्री का फ़ोन करवाना पड़ता था भी बीज लेना ही हमने। अब कोई दिक्कत नहीं है, ना खाद की दिक्कत है किसान को ना किसी की। मेरा जो गांव है वो जो फलड्डी एरिया में आता है, हम काफ़ी बार डूबे हैं, और हमारे पास जो जाते थे विपक्षी दलों के लोग जो भी आते थे, क्योंकि मैं तो उस टाइम स्टूडेंट था कि आम किसान का बेटा था, तो ये कहते थे जी एक बार की बात बताता हूँ आपको, मैंने ये इनेलो के राज की बात है कि हमारे पास एक कांग्रेसी नेता गए, मैं चाय बना रहा था बांध पे, फसलें हमारी डूब गई थी, उन्होंने सरपंच को साथ साइड पे ले आके कहा अभी आप इसके ना 12,000 रुपया मांगो सरकार से जो मुआवजा है। लेकिन उसके बाद भी हम कई बार डूबे कांग्रेस के राज में, लेकिन आज तक हमें तो किसी ने मुआवजा नहीं दिया। अब बीजेपी ने 12,000 रुपये किसान को मुआवजा दिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।